दुष्ट वृत्ति राक्षसी वृत्ति क्या है, किसी दूसरे का नुकसान और मेरा फायदा, ये है विकृति, ये है राक्षसी वृत्ति। दूसरे का भी भला हो मेरा भी भला हो, ये प्रकृति है। दूसरे का भला ना हो बस मेरा ही मेरा भला हो, चाहे कोई दूसरा भूखा रह जाए पर मैं खूब खाऊं, ये है विकृति। लेकिन दूसरे का भला हो जाए चाहे मैं पीछे रह जाऊं, दूसरे का पेट भर जाए चाहे मैं भूखा रह जाऊं, यही ऐसा चिंतन करना ही है भारतीय संस्कृति, ये है हमारी संस्कृति। श्रीमद् देवी भागवत कथा में भाव ये आया कि इन दोनों ने फिर माँ भगवती को नमन किया है। माँ की कृपा जब मिली है, सब कुछ जब ठीक हो गया भगवती की कृपा से, तो इन्होंने नमन किया है, माँ को प्रणाम किया है। माँ नमस्ते आपको बार बार नमन है। हे शुंभ निशुंभ को मारने वाली, सब दैत्यों का संहार करने वाली देवी भगवती, आपको बारंबार नमन है। सबका कल्याण करने वाली, हम पर सब पर कृपा करने वाली, आपको बारंबार नमन है। अनेकों तरह स्तुतियां की माँ भगवती की। समय बीता और समय अनुसार दुर्गम दैत्य का आगमन हुआ, ये कथा माँ भगवती की बहुत अच्छा संदेश देने के लिए। समय बीता और उस समय में दुर्गम दैत्य का प्रादुर्भाव हुआ। उसने तपस्या की ब्रह्मदेव की। आपने इस पूरी कथा में ये बात सुनी होगी कि जितने भर दैत्य है ये तपस्या करते हैं, और देवता क्या करते हैं, ऐसे ही आनंद ले। कोई देवता तुमने तपस्या करते हो नहीं, सारे देवता अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तप करते हैं। जो सारे दैत्य हैं, देवता उस शक्ति को खर्च कर रहे हैं बस। लेकिन दैत्य सारे बढ़ाए जा रहे हैं, बल बढ़ा रहे हैं, शक्ति बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, सारी शक्तियों को प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जहां जहां से उनको जो वरदान मिले तो लेने के लिए तैयार रहते हैं। इस दुर्गम दैत्य ने भगवान ब्रह्मदेव की उपासना की, तप किया और उस तप से वरदान प्राप्त किया। पूछा क्या चाहिए, तो इसने वेद मांग लिए, क्योंकि दैत्य है ही वह जो दूसरों का विनाश करना चाहे, जो दूसरों का बुरा करना चाहे, वही दैत्य। इसने भले के लिए कुछ नहीं मांगा, जितने भर दैत्य हैं वो सब बुरा करने के लिए ही मांगते हैं।
माने वेद इसको प्राप्त हो जाए तो इसलिए वेद नहीं मांगे कि ये वेद पढ़ेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, प्रकांड विद्वान बनेगा, इसलिए नहीं। वेद इसको प्राप्त हो जाए, ब्राह्मणों के पास जो मंत्र है वो सब इसको प्राप्त हो जाए और सबको मैं प्राप्त करके मैं तो बलशाली बन जाऊं, लेकिन पूरे समाज में यदि वेद नहीं होंगे तो अज्ञान फैलेगा, और जब वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तो यज्ञ आदि शुभ कर्म, कर्म कांड, देवताओं का यजन पूजन सब बंद हो जाएगा। जब सब बंद होगा तो धरती तो बिल्कुल अतृप्त हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, विघटन हो जाएगा धरती पर। इसके लिए कि धरती का असंतुलन बने, ये संतुलित धरती असंतुलित कैसे बने, ये संतुलित समाज असंतुलित कैसे बने। बड़े दैत्य हैं इस समाज में भी ऐसे जो इस समाज को जो संतुलित है उसको असंतुलित करने के लिए लगे। कैसे हंसते खेलते लोग ये अव्यवस्थित हो, ये हंस क्यों रहा है, ये रोता क्यों नहीं है, ये कैसे तरक्की कर रहा है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये गिरता क्यों नहीं है। कुछ लोग जीवन जीते ही इसलिए, कुछ लोग आते ही धरती पर इसलिए हैं, उनको आनंद ही दूसरों को कष्ट में देख कर आता है। ये दैत्य वृत्ति है और वो वृत्ति कहीं गई नहीं है, पुनः पुनः लौट कर किसी न किसी मनुष्य में आ जाती है। इसने इसलिए वेद लिए कि जब मैं वेदों को ले जाऊंगा तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब ब्रह्मा जी का तप किया था तो ब्रह्मा जी ने वरदान देना ही था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, सारे वेद, वेद मंत्र और जो कुछ भी था ज्ञान वर्धक वो सब इसके पास आ गया। ब्राह्मण बिना वेद के, बिना शास्त्र के, बिना मंत्रों के क्या यजन करें, क्या अनुष्ठान करें। अनुष्ठान बंद हुए, यज्ञ आदि शुभ कर्म बंद हुए, देवताओं का पूजन बंद हो गया। देवताओं का पूजन बंद हुआ तो धरती पर फिर असंतुलित हो गया। यज्ञ बंद हुए तो वर्षा नहीं होनी, यज्ञ आदि से वर्षा होती है, वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो अन्न नहीं हो रहा, पानी की कमी, अन्न की, भोजन की कमी, पेड़ सूखने लगे, हरियाली समाप्त होने लगी, धरती बंजर होने लगी, त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा, सारे तरफ सब जीव जंतु प्राण छोड़ने लगे, सारे जितने भर भी पशु पक्षी जीव जंतु थे सब प्यासे और भूखे मरने लगे, मनुष्य आदि सब मरने लगे, ब्राह्मण त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। एक केवल वेद के न होने से इतना कुछ असंतुलित हो गया। आज वही स्थिति है, कुछ लोगों के विद्वान होने से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। बच्चे बच्चे को विद्वान होना पड़ेगा। क्यों चाहते हो कि एक शास्त्री यहाँ से बोलता जाए और हम बस सुनते जाए? सुनने के लिए भी तो समझ चाहिए ना, उतना तो पढ़िए कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से जो सुनाया जा रहा है वो क्या ठीक है और कहाँ से सुनाया जा रहा है। इतना तो पढ़िए कम से कम। सबको बलवान बनना पड़ेगा तब ये राष्ट्र मजबूत होगा, तब धर्म मजबूत होगा। सबको विद्वान बनना पड़ेगा, सबको मन में अच्छा संकल्प धारण करना पड़ेगा, सबको संगठित होना पड़ेगा। एक बलवान के होने से देश बलवान नहीं होता, एक धनवान के होने से देश धनवान नहीं होता, एक विद्वान के होने से देश विद्वान नहीं होता। इसलिए चंद लोगों के कारण ये देश तरक्की नहीं करेगा, धर्म तरक्की नहीं करेगा। सब लोग जब इसमें अपनी अपनी आहुति डालेंगे तब ये राष्ट्र और धर्म तरक्की करेगा, उत्थानित होगा। इसलिए मेरी नजर में और जो वेद कहता है वो ये है कि सबको अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सबको समझने चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको सब कुछ प्राप्त करने का अधिकार दिया है। किसी समाज को ये अधिकार नहीं कि किसी को छोटा कह सके, और किसी समाज को ये अधिकार नहीं कि किसी को ऊंचे से नीचा लाने का प्रयास कर सके। ऊंचा कोई व्यक्ति जन्म से नहीं होता है। भगवान मनु जिनकी हम संतान है उन्होंने कहा है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, अपने कर्म से ही वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बनता है।